धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मैं बिल का समर्थन करता हूं और एक दो सुझाव के साथ अपनी बात कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि हमारे यहां दो लाख सत्तर हज़ार लगभग डेंटिस्ट हैं और हर एक साल लगभग 15 से 20 हज़ार डेंटिस्ट प्रोड्यूस होते हैं। हमारे यहां एमडीएस की बहुत आवश्यकता है, एमडीएस का प्रोडक्शन बहुत ही कम है और सबसे ज़्यादा जो और मेम्बरों ने कहा है कि गाँव में डेंटिस्ट लोगों की बहुत आवश्यकता है कि सबसे ज़्यादा वहीं पर आवश्यकता है उनका दांत की सुरक्षा के लिए। इसलिए ब्लॉक लेवल पर या आपको सोशल सेंटर पर एक डेंटिस्ट का व्यवस्था होना चाहिए ताकि गांव के लोग इजीली जाके अपने व्यवस्था देख सकें जो अभी अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़ कि देश में डेंटिस्ट लोगों का एम्प्लॉयमेंट की कोई सिक्योरिटी नहीं है। अभी रजिस्ट्रेशन की बात आई है स्टेट लेवल पर, वो स्टेट लेवल समर्थन की आवश्यकता है क्योंकि सभी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन स्टेट में होता है लेकिन सिर्फ एक ही डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है जिसका स्टेट लेवल पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जिसके चलते वहाँ के लोग वैगवंट घूमते हैं, कोई लिस्ट नहीं उनका नहीं है। इसलिए उसको अविलंब उसको लागू करें और साथ साथ आग्रह है आपसे कि हर एक प्रखंड में एक व्यवस्था करें सरकारी डेंटिस्ट प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि जिला लेवल पर सभी लोग नहीं आते हैं और उसके लिए वहाँ पर जब जाएंगे आप तो लोकल लोग इजिली अवेलेबल होते हैं। जो बड़े लड़के जो डेंटिस्ट पास करते हैं वो शहरों में ही ज़्यादा अपना प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, सरकारी अस्पतालों में उनकी आवश्यकता बहुत कम है और एक एक दो दो लोगों की कहीं ना कहीं बहाली होती है। जिला में एक सदर अस्पताल है, वहाँ एक दो डेंटिस्ट होते हैं, प्रखंड में कोई डेंटिस्ट होते नहीं हैं, जिसके चलते इजिली अवेलेबिलिटी उनकी नहीं है। इस पर सरकार ध्यान दे, मैं बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।